पहले सभी के एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो जैसा कि सबको पता है कि आज क्या होने वाला है, हम सी स्केल सीखेंगे आज। सी स्केल कैसे बजाना है, ठीक है, गिटार पे। तो सी स्केल को नेचुरल स्केल भी कहा जाता है। तो स्केल क्या होता है ये सबको पता होना चाहिए। स्केल सरगम को कहा जाता है, ठीक है। तो गिटार में सी स्केल कैसे बजाना है चलो देखते हैं। तो सभी को ये जो टैब्स हैं ये शो हो रहे होंगे, टैब्स कैसे रीड करते हैं अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। तो ये जो टैब शो हो रहे हैं ये सी स्केल के टैब्स हैं कि सी स्केल कैसे बजाना है। सी स्केल में कौन से नोट होते हैं, सी डी ई एफ जी ए बी सी, ठीक है। इसको नेचुरल स्केल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई शार्प नोट नहीं होता ना फ्लैट होता, ठीक है। तो जो सी स्केल है उसमें सबसे पहला नोट कौन सा आना चाहिए, सी। और इस चीज का ध्यान रखना जो स्ट्रिंग हम इस हाथ से प्रेस कर रहे हैं वही स्ट्रिंग हमें इस हाथ से बजानी है तभी साउंड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, टैब्स में कैसे है, हमें थर्ड स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट प्ले करना है, ठीक है। तो ये जो फिफ्थ फ्रेट है ये सी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें डी नोट प्ले करना है जो कि कहां पर है, देखिए टैब्स में कहां लिखा है, तो टैब्स में कहां है, तो जी स्ट्रिंग का हमें क्या करना है, हमें जी स्ट्रिंग का सेवंथ फ्रेट प्रेस करना है, ठीक है, जो कि ये है, ठीक है। तो पहले हमने किया फिफ्थ फ्रेट प्रेस, अब सेवंथ फ्रेट प्रेस करना है, ठीक है। तो सी डी, ठीक है। अब ई प्ले करने के लिए हमें क्या है, टैब में देखिए, तो बी स्ट्रिंग का हमें कौन सा फ्रेट प्रेस करना है, बी स्ट्रिंग का हमें फिफ्थ फ्रेट प्रेस करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, बी सॉरी सी डी एंड ई, ठीक है। तो बी स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट जो है ई नोट होगा। तो अब नेक्स्ट क्या बजाना है हमको, बी स्ट्रिंग पे सिक्स्थ फ्रेट प्ले करना है हमको, ठीक है। तो सी डी ई, सिक्स्थ फ्रेट कौन सा है, फिफ्थ के आगे वाला, ठीक है। तो ये कौन सा, सिक्स्थ फ्रेट। तो हमने क्या प्ले कर रहा, सी डी ई एफ, ठीक है। एफ यानी जो टैब में शो हो रहा है बी स्ट्रिंग का सिक्स्थ फ्रेट, ठीक है। अब बी स्ट्रिंग का सिक्स्थ फ्रेट है, अब हमें क्या प्ले करना है, अब हमें बी स्ट्रिंग का ही एट्थ फ्रेट प्ले करना है, ठीक है। तो एट्थ कौन सा है, ये सिक्स्थ है, तो सेवन एट, ठीक है। तो एट्थ फ्रेट जो है हमें, एट्थ फ्रेट जो है प्रेस करना है, ठीक है। तो क्या बजा अभी तक, सी मतलब जी स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट, डी यानी कि जी स्ट्रिंग का सेवंथ फ्रेट, फिर बी स्ट्रिंग का फिफ्थ फ्रेट यानी कि ई नोट, ठीक है। अब बी स्ट्रिंग का सिक्स्थ फ्रेट यानी कि एफ नोट, ठीक है। और बी स्ट्रिंग का ही एट फ्रेट यानी कि जी नोट, ठीक है। तो सी डी ई एफ जी, ठीक है, ये हो गया। अब तीन नोट रह रहे कौन से, देखो टैब में क्या शो हो रहा है। तो टैब में अब हमें क्या प्ले करना है, ई स्ट्रिंग यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग पे हमें कौन सा फ्रेट प्ले करना है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग पे हमें कौन सा फ्रेट प्ले करना है, फिफ्थ फ्रेट, ठीक है। ये नोट कौन सा है, ए नोट, ठीक है। तो ई स्ट्रिंग पे फिफ्थ फ्रेट जो है ए नोट है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या प्ले करना है, टैब में देखो, अब हमें प्ले करना है सेवंथ फ्रेट, ठीक है, ई स्ट्रिंग का ही, ई स्ट्रिंग का सेवंथ फ्रेट हमने प्ले किया, ठीक है। अब कौन सा प्ले करना है हमें, ई स्ट्रिंग का एट्थ फ्रेट, ठीक है। तो ये नोट सी हो गया। तो इस पे हमें प्रैक्टिस इस तरह से करनी है, करता हूँ। सी स्केल कैसे बजाना है ये सबको समझ आ गया होगा, इस पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। तो स्केल को जो है ये छोटी मोटी चीज मत समझो, स्केल से ही जो है म्यूजिक बनता है, यानी कि सरगम से ही म्यूजिक बनता है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे अच्छे से समझ आ जाएगा किस तरह से प्ले करना है। तो अगर गाना प्ले करना चाहते हो तो पहले स्केल पे अच्छी कमांड कर लो अपनी, अच्छे से उसको सुनो, उसको समझो स्केल कैसे बज रहा है, कौन से नोट्स कब कब बज रहे हैं और कैसा उनका सुर है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।